तो कुछ दिनों पहले मैंने रील बनाई थी और क्या बताऊँ, वो रील इतनी बेकार रही मेरे लिए कि मेरा पर्स गुम हो गया था। और आज मैं एक होप से, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगा मुझे वो बैग, बट यू नेवर नो। तो मैं पता करने जा रही हूँ जिस घर के बाहर मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे मेरा बैग है, क्या उस फैमिली ने कोई बैग देखा था। अगर देखा था तो क्या पता उन्होंने संभाल के रख दिया हो। और मैं देखती हूँ कि मिलता है कि नहीं। चलो चले। तो देखो, ये किसी का कार्डिगन रह गया होगा, तो किसी ने लिया नहीं, भारी पड़ा हुआ है। तो मैं इसी होप में हूँ कि क्या पता किसी ने मेरा पर्स यहीं कहीं टांग के रख दिया हो। बट पर्स जैसी चीज़ मिलना मुश्किल होती है, तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे मैं उसी रात को दोबारा चेक करने आई थी, बट नहीं था। तो मुझे लगा क्या पता उस फैमिली ने अंदर रख लिया अपने पास। 0.01 से मैं बताऊँ तो मैंने स्टेप बहुत लेट लिया है। संडे को ये इंसिडेंस था और आज थर्सडे हो रहा है। अगर मुझे आना ही था तो मुझे थोड़ा और पहले आना चाहिए था, तो मे भी कोई चांसेस होते। बट मैं एक्चुअली स्पॉट पे पहुंच ही चुकी हूँ, बट मुझे दूर दूर तक अब तक कोई बैग नज़र नहीं आ रहा। रखा भी तो मैंने ऐसे था, देखो बताती हूँ। इस घर के सामने यहाँ थी, मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई और मैंने यहीं रखा अपना बैग। अब बीच रोड पे किसी को पर्स मिलेगा तो ऑब्वियसली कोई भी उठाएगा ना यार। इसी स्पॉट पे मैंने वीडियो बनाई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस घर वालों को पूछने की कि भैया आपने कोई पर्स देखा था। जिसकी जो चीज़ें जन भी छूट जाती हैं तो लोग वहीं रहने देते हैं। क्यों, मुझे शर्म भी आ रही है किसी से पूछने में। मैं कैसे जाऊँ किसी का, एक्सक्यूज मी, मैंने डोर बेल बजा दी है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं होगा यार, क्या ही बोलूँ इनको। मैंने डोर बेल दो बार बजाई है बट कोई आया ही नहीं है अभी तक। लग कोई मिला नहीं मेरे को। किससे पूछती, पर दरवाजा गड्ढा दिख रहा है ना यहाँ पे। आना बैठ के पीछे से बर्फ डाल रही थी और मैं इस स्पॉट पे खड़ी थी और मैंने यहाँ पे बैग छोड़ दिया था। आई डोंट नो कि घर के बाहर मैं ऐसे ऐसे देख रही थी ना, तो वो कहती, उसने मुझे बोल दिया कि कोई बात है क्या। तो मैंने पूरी स्टोरी सुना दी कि मैं अपना बैग छोड़ के गई थी, तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला। सो इट इज़ व्हाट इट इज़।